चुका हूँ कि महिलाओं का थाना है और महिलाओं ने ही इसको रेगुलेट किया है। तो ये एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो मैं कहूँगा बाय द वुमन फॉर द वुमन बन गया, जिसमें इसको एडमिनिस्टर भी महिला पुलिस ही करेंगी। आज इसकी इनॉग्रेशन भी महिला पुलिस ने करी और आने वाले टाइम में मैं समझता हूँ कि महिला पुलिस ही इसको कामयाबी से चलाएंगी और महिलाओं की समस्याओं को डील करने के लिए महिला पुलिस जो जहाँ के प्रभारी और बाकी मेंबर हैं वो काम करेंगे। सर, दक्षिण कश्मीर का ये पहला थाना बन गया, खूबसूरत थाना बन गया, जैसे कि आपने अपने भाषण में भी कहा। सर, इसको और डेकोरेट करने के लिए क्या कोई और भी चीज़ें? देखिए, इसमें कुछ चीज़ें हैं, जैसे मैंने कहा इसमें बच्चों के लिए प्ले वे रूम की ज़रूरत है, बच्चों के लिए सुविधा देंगे ताकि बच्चे, कभी कोई महिला ऐसी आ जाती है किसी जुर्म में मुलव्वस हो जिसके साथ बच्चा हो, तो बच्चे को थाने पे बैठ के घर जैसा माहौल मिल सके, वो अपनी पढ़ाई कर सके, यहाँ पर टैब हो उसके लिए, पढ़ाने वाला कोई हो, उसको अटेंड करने वाला कोई हो, बैठने को अच्छी जगह हो, उस तरह की और ज़रूरतें। अभी इसकी और छोटी मोटी ज़रूरतें होंगी, वायरलेस कम्युनिकेशन, वो चीज़ें कुछ हो गई हैं, कुछ उनको देखा जाएगा। CCTNS के साथ हमारे सारे थाने जुड़े हुए हैं, ये भी एक नया थाना है, इसको देखना होगा कि पूरी तरह हम जोड़ चुके हैं कि नहीं जोड़ चुके हैं, और बाकी इनकी जो मान लो लॉजिस्टिक्स में किस तरह की कोई ज़रूरत होगी उसको भी पूरा किया जाएगा। देखिए, सोशल क्राइम जो है इसमें ऐसा नहीं है कि पुलिस किसी भी तरह के क्राइम को नेगलेक्ट करती है, सोशल क्राइम को भी बराबर हर सतह के ऊपर डील किया जाता है। मिलिटेंसी टेररिज्म क्योंकि एक ऐसी समस्या है जो हर किसी की ज़िंदगी को मुतासर करती है और डे टू डे मुतासर करती है, जाहरी तौर पे मुतासर करती है, इसलिए वो चीज़ फोकस में दिखाई देती है, मगर ऐसा नहीं कि उसके काम के चलते बाकी काम को इग्नोर किया जाता है। सोशल क्राइम को भी बराबर अपनी लेवल के ऊपर इम्पोर्टेंस दी जाती है। हाइब्रिड मिलिटेंसी टेररिज्म की एक नई स्ट्रेटजिक मूव है जो पाकिस्तान में बैठी पाकिस्तान की एजेंसीज और उसके हैंडलर्स ने ईजाद की है, जो अभी तक उन्होंने आम शहरी को, बेगुनाह शहरी को कत्ल करने का एक नया तरीका ढूंढा है कि कत्ल भी हो जाए और कातिल नज़र भी ना आए। ये एक नया तरीका ढूंढा है, गुनाह भी हो जाए और गुनहगार नज़र भी ना आए। मगर आपको मैं बता दूं कि मुबारक की बात यह है कि गुनहगार गुनाह तो कर लेता है एक आध, मगर गुनाह करके वो पहचाना ना जाए, बच के निकल जाए, उसकी कोई गुंजाइश नहीं है। अभी तक जितने भी गुनहगार इस फेसलेस मिलिटेंसी का हिस्सा बने हैं, अंडरग्राउंड मॉड्यूल्स का हिस्सा बने हैं, एक एक करके उनका एक्सपोजर हुआ है, उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई हुई है और बहुत सारे लोग जो बेगुनाह लोगों के कत्ल में शामिल हैं, टेरर क्राइम में शामिल हैं, उनको सख्ती से कुचला गया है। बहुत सारे लोग जो हैं ऑपरेशन